अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बहुत खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। ये ट्राउज़र है और सेम कलर का कपड़ा लेके मैंने इसके ऊपर पिनटेक्स डाल दिए हैं एक एक इंच के फासले पे। ये जो पिनटेक्स वाला पीस है इसकी चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई में ये ट्राउज़र के 5 इंच के बराबर है। अब दो हमें जेपी के पीस चाहिए। ये जो चेपी का पीस है लंबाई में ये भी ट्राउज़र के बराबर है, जितना कि ट्राउज़र का पांचा खुला है, चौड़ाई में ये 3 इंच है। ये जो दोनों पीस है इनको हमने एक साइड से गोल शेप देनी है, इस तरह से गोल निशान ड्रा करके इन दोनों को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये इस तरह से आ जाएंगे। अब इन दोनों को हमने, ये जो पिनटेक्स वाला पीस है इसकी बैक साइड पे, उल्टी साइड पे हमें प्रेस कर लेना है। ये मैंने प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको कटिंग कर दिया है। अब जहाँ तक चेपी का पीस है वहाँ तक हमें फालतू कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और चौक के साथ निशान लगा लेना है सीधी तरफ। इस तरह निशान लगाने से हमें पता चल जाएगा कि चेपी कहाँ तक है। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसके ऊपर हमें लैस लगानी है इस तरह से। दोनों पीस पे इसी तरह से लैस लगा लेंगे। लैस लगाने के बाद अब एक एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चाहिए, उसको रखेंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ चेपी वाला पीस रखते हुए। जो हमने लैस वाली सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा के इन दोनों पीस को अटैच करना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और गोलाई में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसको जब हम सीधा करेंगे तो लैस हमारी बहुत प्यारी सी इस तरह से आ जाएगी। अब इसको हमने फिर से अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इन दोनों को थोड़ा सा हमने 1/2 इंच या 1 इंच एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से ऊपर नीचे मैंने दोनों को रखा है। ऊपर की तरफ सिलाई लगा के दोनों को अटैच कर देना है। अब ये एक मेरे पास ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, चौड़ाई में ये 1.5 इंच है। मैंने इसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इसको हमने ट्राउज़र के ऊपर रखना है इस तरह से और सिलाई लगानी है। सिलाई हम उतनी लगाएंगे जितना हमें ऑर्गेन्जा बाहर की तरफ दिखाना है। 1/2 इंच से भी कम मैंने बाहर की तरफ रखा है, बाकी सिलाई के अंदर कर दिया है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हमने डिज़ाइनिंग वाले पीस को सेट करना है इस तरह से और सिलाई लगानी है दूसरी तरफ से। जिस तरफ ऑर्गेन्जा के पीस की सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो ऑर्गेन्जा का पीस है ये नीचे की तरफ है, इसको हमने लाना है ऊपर की तरफ और जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऑर्गेन्जा को ऊपर की तरफ लाते हुए बिल्कुल उसके किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है। बहुत प्यारी सी बारीक सी पट्टी बन जाएगी। सिलाई उसी कलर के धागे से लगाएंगे जिस कलर का ऑर्गेन्जा होगा।
अब यहाँ पे हमें मोती लगाने हैं। ये वाइट कलर के पर्ल हैं मेरे पास, ये मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।